दोस्तों, सेमीकंडक्टर के बारे में आप सभी जानते हैं कि सेमीकंडक्टर कितना इम्पोर्टेंट है, और भारत सरकार अपने प्यारे भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाने का फैसला कर चुकी है। क्योंकि जिस जिस देश का सेमीकंडक्टर पर पकड़ है वो देश ग्रो हो चुका है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का युग है और जहां बात टेक्नोलॉजी की आती है मतलब वहां पर सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। वैसे तो भारत सेमीकंडक्टर का सपना 1962 से ही दे रहा है, लेकिन उस कदर नहीं दे रहा है जिस कदर पिछले 10 सालों में दिया गया है। जब तक आप में वो जुनून, वो पागलपन नहीं होगा कि हमें ये चाहिए ही चाहिए, तब तक वो चीज आपको मिलने वाली नहीं है। और भारत के पास अभी वही जुनून है कि हमको सेमीकंडक्टर का हब बनना है तो बनना है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि पिछले 10 सालों में सेमीकंडक्टर के इंडस्ट्री में हम कहां तक पैर को पसार पाए हैं, क्या भारत सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए तैयार हो रहा है, आखिर कैसे कहोगे आप कि भारत में सेमीकंडक्टर हब की शुरुआत हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। भारत को यह बात पहले से पता था कि सेमीकंडक्टर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन भारत उस टाइम सेमीकंडक्टर पर उतना ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि जिन भी चीजों में सेमीकंडक्टर का यूज होता था वो सारी चीजें हमें चाइना से सस्ते दामों में मिल जाती थी, और चाइना ने इंडियन मार्केट पर बड़ा पकड़ बना रखा था। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, जब उन्होंने चाइना के चीजों पर बैन लगाया, तो उन्हें एहसास हुआ कि सेमीकंडक्टर कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे पास सेमीकंडक्टर मौजूद नहीं है, ये कुछ ही देशों के पास है, ऐसे केस में हम चाहकर भी चाइना के उन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पर नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि भारत में 70-80% मोबाइल फोन लैपटॉप सब चाइनीज है, क्योंकि चाइना के पास सेमीकंडक्टर है, हमारे पास सेमीकंडक्टर नहीं है। तो जब भारत सरकार को एहसास हुआ तो भारत सरकार ने एक फैसला लिया कि हम भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाएंगे। जैसे ही भारत सेमीकंडक्टर का हब बनेगा, भारत डेवलप कर जाएगा। और भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाने के लिए भारत सरकार ने कई स्कीम लॉन्च की है, जिसमें से कुछ में फायदा मिला, कुछ में फायदा नहीं मिला। पिछले 5-6 सालों में सेमीकंडक्टर पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, और कई विदेशी कंपनियों को यहां तक कहा गया है कि आप भारत में सेमीकंडक्टर का प्लांट बैठाइए, आपका आधा खर्चा भारत सरकार उठाएगी। इस तरह के इंसेंटिव देकर के उन सारे कंपनियों को भारत में बुलाया गया है, और अब अपना भारत सेमीकंडक्टर का हब बनने के लिए हर एक परीक्षा को पास करते जा रहा है। भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेक बॉक्स को टिक कर रहा है। आज भारत अपने टेक फ्यूचर को जिस स्पीड के साथ आगे बढ़ा रहा है, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मैक्रोन। मैक्रोन अमेरिका की सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है, जो कि भारत में सेमीकंडक्टर का प्लांट बैठा भी चुकी है। मैक्रोन सेमीकंडक्टर कंपनी को जून 2023 में अप्रूवल मिला भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट बैठाने का, और अप्रूवल मिलने के बाद 90 दिन के अंदर ही इन्होंने गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर प्लांट पर काम करना स्टार्ट कर दिया। और बताया जा रहा है कि मैक्रोन के द्वारा ही इस साल के दिसंबर तक भारत का पहला सेमीकंडक्टर चिप तैयार होगा। और गाइस, सिर्फ शुरुआत है, भारत बहुत बड़े प्लान को लेकर के चल रहा है। भारत की कई बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि टाटा ग्रुप, ये सभी सेमीकंडक्टर की दुनिया में कूद पड़ी है, और अभी ये सारी कंपनियां अपने प्लान को सेटअप करने में लगी है। जैसे ही सब में सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो भारत की सेमीकंडक्टर की मांग पूरी होने लगेगी। और सिर्फ हम सेमीकंडक्टर को भारत में यूज नहीं करना चाहते हैं, बल्कि सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह को ग्लोबली एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। उस लेवल की फैक्ट्री वगैरह को यहां पर बैठाया जा रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अपना प्यारा भारत अब इंडस्ट्री 4.0 में प्रवेश कर चुका है। इसके अलावा हम लोग सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर भी बनने जा रहा है। गाइस, हम भारत को सेमीकंडक्टर का हब इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि हम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को अंजाम दे पाए। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के पीछे भी हमारी यही भावना है। अभी क्या प्रॉब्लम है कि कुछ देश के पास सेमीकंडक्टर है और वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे कि अभी पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर के मामले में ताइवान सबसे आगे है, तो ताइवान पर चाइना कब्जा करना चाहता है, और बोले तो 90% कर ही लिया है। ताइवान ना चाहते हुए भी धीरे धीरे चाइना का गुलाम हो चुका है। कोई भी बड़ी डिसीजन होती है तो चाइना ही लेता है। ऐसा करके चाइना सेमीकंडक्टर का पावर अपने हाथ में लेना चाहता है। लेकिन भारत सेमीकंडक्टर का हब इसलिए बनना चाहता है ताकि दुनिया के हर एक देश तक सेमीकंडक्टर पहुंचे, क्योंकि हम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को लेकर के चल रहे हैं। अब भारत में जो भी बन रहा है उसे हम दुनिया का सबसे बेहतर सबसे बड़ा बनाना चाहते हैं ताकि उसका लाभ पूरी दुनिया को हो। अभी भारत में 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शुभारंभ हो चुका है, जो कि आत्मनिर्भर भारत को एक नई बुलंदी दे रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सरकार ने इन कंपनियों को 50% का इंसेंटिव देने का वादा किया है कि आप भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट बैठाओ, आधा खर्चा आपको भारत सरकार देगी। गुजरात के धोलेरा में जो सेमीकंडक्टर का प्लांट बैठाया जा रहा है, वहां पर हर महीने 50,000 सेमीकंडक्टर वेफर्स बनेंगे। कुछ लोग बोलते हैं सरकार सेवन सिस्टर पर
ध्यान नहीं देती है, यानी कि हमारे नॉर्थ ईस्ट पर नहीं ध्यान देती है। लेकिन गाइस नॉर्थ ईस्ट के असम में सेमीकंडक्टर का प्लांट बैठाया जा रहा है। असम के मोरी गांव में सेमीकंडक्टर का प्लांट बैठने जा रहा है, और ये सेमीकंडक्टर प्लांट कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि यहाँ पर हर दिन 48 मिलियन चिप्स का प्रोडक्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रोडक्शन होगा एक दिन में 48 मिलियन। दिस इज द बिग अमाउंट। इसके अलावा गुजरात के सानंद में भी हर दिन 15 मिलियन चिप्स को बनाया जाएगा, जो कि हाई क्वालिटी के चिप्स होंगे। और इन तीनों प्रोजेक्ट के जरिए सरकार 1,26,000 करोड़ रुपए की लागत से देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की शुरुआत कर चुकी है। भारत सरकार जो अपने अमृतकाल पर काम कर रही है उसमें सेमीकंडक्टर पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बस 5 साल की देरी है, 5 साल के अंदर भारत अपने सेमीकंडक्टर के हर एक डिमांड को खुद पूरा कर लेगा। एक बार में 3 कंपनियों के साथ सिर्फ शुरुआत हुई है, आगे जाकर के ना जाने और कितने सेमीकंडक्टर के प्लांट बैठेंगे। जितने ज्यादा प्लांट बैठेंगे उतने ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत के पास लोगों की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। बस हमें अब जरूरत है बड़े बड़े कंपनी को एस्टेब्लिश करने की, ताकि वहाँ पर हमारे लोग काम करें और हम उस हर क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनते जाएं। वैसे गाइस आप भारत के इन 3 सेमीकंडक्टर प्लांट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये 3 कंपनियां मिलकर के भारत के सेमीकंडक्टर के जरूरत को पूरा कर पाएगी? आप क्या सोचते हैं गाइस इस चीज के बारे में कमेंट करें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।